बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन तकवा टीवी। आज का हमारा टॉपिक गर्म में दूध का उबलने से क्या होता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक औरत आई और दस्ते अदब जोड़कर अर्ज करने लगी, या अली, हमारे घर में झगड़े बहुत होते हैं, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, रिस्क में बहुत तंगी रहती है, या अली ऐसा क्यों है। तो ये पूछा गया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत ये बताओ, जब तुम अल्लाह ताला का रिस्क पकाती हो तो कुछ गिरता भी है या नहीं। इस औरत ने कहा हाँ। या अली, जब जब मैं दूध उबालती हूँ तो थोड़ा बहुत दूध मुझसे गिर जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत याद रखना, जब तुम अल्लाह ताला का दिया हुआ रिस्क गिराती रहोगी और फिर इस गिरे हुए रिस्क पर कोई चलता रहेगा तो इससे घर में बेसुकूनी, झगड़े, नफरत और रिस्क में तंगी पैदा होती है। दूध को उबाल के पीना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि दूध जमीन पे ना गिरे। तुम अपनी इस आदत पे काबू पा लोगे तो अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे घर में सुकून और रिस्क में और बरकत आ जाएगी। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।